सब्सक्राइब कीजिए जीके महात्मा जी को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, तो आ गए आप, कैसे हो? स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों, साइंस टेस्ट पार्ट टू, वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो पीछे एग्जामों में आ चुके हैं और फुल डिटेल के साथ उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके कितने सही जवाब बनते हैं। पहला क्वेश्चन, रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, वारफरीन। देखिए, वारफरीन एक प्रकार की दवा है और इसका उपयोग होता है ब्लड को पतला करने में। यह धमनियों और शिराओं में रक्त के थक्कों को भी हटा देता है और इस दवा के उपयोग से हार्ट अटैक का चांस बिल्कुल ही कम हो जाता है, यानी कि उसका खतरा बिल्कुल घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 21 जनवरी 2017 के एग्जाम में। देखिए, कौन सा निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन ए, सोडियम। देखिए, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, जो कि सबसे ज्यादा है दिए गए विकल्पों के अनुसार, और बेरिलियम की होती है 4, नाइट्रोजन की होती है 7, बोरान की होती है 5 और फ्लोरीन की होती है 9। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्र के अंदर स्थित होते हैं? ऑप्शन डी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये परमाणु के मूल कणों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हुए कक्षाओं में गतिमान रहते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्रमशः धनावेशित एवं ऋणावेशित कण हैं, जबकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन यानी कि आवेश रहित कण होते हैं। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी, लैंडस्टीनर। देखिए, रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने वर्ष 1900 में, और उन्होंने रक्त समूह को 4 भागों में विभाजित किया था, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। देखिए, RH एंटीजन की खोज की थी वर्ष 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, तो यह आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ए बी रक्त समूह में ऑप्शन बी, एंटीबॉडी नहीं रहते। देखिए, ए बी रक्त समूह में प्रतिजन तो उपस्थित होते हैं लेकिन एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित रहते हैं, वो इसमें नहीं होते हैं, जिसके कारण यह व्यक्ति सभी व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, अतः हम इसे कह सकते हैं ये सर्वग्राही होते हैं। नेक्स्ट, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन बी, संक्रमण से संघर्ष करना। देखिए, श्वेत रक्त कणों का मुख्य प्रयोजन संक्रमण से संघर्ष करना है। ये प्राय रक्त के ऊतक द्रव में जाकर रोगाणुओं एवं प्रतिविष पदार्थों को नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करते हैं। ऑक्सीजन ले जाने का कार्य लाल रक्त कोशिकाओं का होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग पदार्थ से जुड़ा होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़कर उसके संवहन में मदद करता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए, अनीमिया। देखिए, अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाएं या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण थकान, त्वचा का पीलापन और सांस लेने में कठिनाई, सिर घूमना या चक्कर आना जैसे सामान्य लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और इसके उपचार हेतु आयरन एवं फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा देनी चाहिए। बाकी आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। और आप आए देखे डॉक्टर साहब, हाँ मुझे जो, हाँ सर दर्द है मुझे, क्या करना चाहिए? अरे बच्चन जी, आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए या फिर जी का महात्मा जी के वीडियो देखनी चाहिए।
नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बट काफी बार ऑप्शन सी खगोलीय दूरी की लंबाई। देखिए प्रकाश वर्ष लंबाई की मापक इकाई है, यह है लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर के अंदर होती है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में पूरी की जाती है। यह लंबाई मापने की एक इकाई है जो मुख्यतः लंबी दूरियां तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी या इसी प्रकार की अन्य खगोलीय दूरियों को मापने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या है? ऑप्शन सी पास्कल। देखिए सतत यांत्रिक में तनाव अथवा प्रतिबल से आशय उस आंतरिक बल से है जो दूसरे कणों द्वारा अपने समीपवर्ती कणों पर लगाया जाता है। इसकी इकाई न्यूटन वर्ग मीटर या फिर पास्कल कह सकते हैं हम। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? ऑप्शन बी बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी की इकाई बेकुरल है। इसकी खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, उसी के नाम पर इस इकाई का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन बी कोणीय गति। देखिए वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी निश्चित रहती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, जैसे संवेग आवेग त्वरण बल विस्थापन वेग भार विद्युत क्षेत्र बल आघूर्णन चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रेरण कोणीय गति चुंबकीय आघूर्णन चाल प्रवणता ताप प्रवणता विद्युत तीव्रता विद्युत धारा घनत्व आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? ऑप्शन सी यंग का मापांक। देखिए वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं अदिश राशि कहलाती है, जैसे द्रव्यमान घनत्व विद्युत धारा चाल दूरी आयतन दाब ताप यंग का मापांक आदि। नेक्स्ट, वस्तु का द्रव्यमान। ऑप्शन बी सब जगह एक समान रहता है। देखिए वस्तु का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। वस्तु के भार में आभासी परिवर्तन ऊपर या नीचे जाने पर प्रतीत होता है, अतः दिए गए विकल्पों के अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन बी सब जगह एक समान रहता है। तो दोस्तों साइंस टेस्ट कंप्लीट। कितने सही जवाब बने और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव कोई भी विचार तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हाँ धीरे धीरे हम क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा देंगे अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो। और दोस्तों जो हमारी साइंस टेस्ट सीरीज चल रही है 30 क्वेश्चन वाली वो भी कंटिन्यू चलेगी, आपको शाम तक एक वीडियो उसका मिल जाएगा या मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।